हेलो दोस्तों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को आपका प्यारा चैनल नॉलेज जंक्शन मस्ती में दिल से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इकोनॉमिक्स में जो पंचवर्षीय योजना मेरा पिछले पार्ट में जहां तक ख़त्म हुआ था, तो उससे आगे हम चलते हैं। तो साथियों, तो अब हम चलते हैं आठवीं पंचवर्षीय योजना की ओर। तो आठवीं पंचवर्षीय योजना, तो साथियों, आठवीं पंचवर्षीय योजना जो हुआ था 1992 से 1997 के बीच, क्योंकि मैंने बोला था कि 1990 से 1992 के बीच जो यह योजना का अवकाश सेशन था, और इसी के बीच जो है आर्थिक उदारीकरण किया गया था। भारत के अर्थशास्त्री और उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, और यह जो है फिर 1992 से आठवीं पंचवर्षीय योजना शुरुआत हो जाता है। और साथियों, यह जो है आठवीं पंचवर्षीय का जो है मॉडल, यह था डब्लू मिलर, यानी आठवीं पंचवर्षीय योजना डब्लू मिलर मॉडल पर आधारित था। और साथियों, इनमें जो है जो बल दिया गया था, महत्व दिया गया था, ये था मानव संसाधन के संपूर्ण विकास, यानी मानव संसाधन के जो है विकास पर बल दिया गया था। यानी मानव के जो है संसाधन में क्या चीज़ होना चाहिए, खाना पीना और आवास होना चाहिए, और इसके बाद जो संसाधन होगा, यहाँ से कहीं जाना है, कहीं आना है, तो इन तमाम चीज़ों के लिए जो उपयोगिता होते हैं, और इन सारे जो है उपयोगिताओं पर बल दिया गया था आठवीं पंचवर्षीय योजना में। यानी आठवीं पंचवर्षीय योजना में मानव के संसाधन पर बल दिया गया था, यानी मानव के संसाधन के लिए जो जो चीज़ उपयोगी हैं उनके ऊपर बल दिया गया था। और उसके बाद साथियों, यह डब्लू मिलर मॉडल पर आधारित है आठवीं पंचवर्षीय योजना। और इसके बाद इनमें जो है इनके द्वारा सन 1993 ईस्वी में पीएम रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ। प्रधानमंत्री रोजगार योजना सन 1993 में प्रारंभ हुआ। उसके बाद साथियों, इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है 73वां जो है संविधान संशोधन 1992-93 एवं 74वां संविधान संशोधन 1993 जो है लागू हो जाता है। और यह 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज, यानी 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जो है 1993 में 24 अप्रैल 1993 के जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उस समय तो 1959 ईस्वी में नागौर राजस्थान से जो है ये पंचायती राज जो है प्रारंभ हुआ था साथियों, लेकिन पंचवर्षीय ये पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा मिला था 24 अप्रैल 1993 को, 24 अप्रैल RL। और साथियों, 1993 में 74वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है नगर पालिका को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया था 1993 ईस्वी में। और पंचायती राज के लिए 29 विषय दिया गया है कार्य करने के लिए, जबकि नगर पालिका को 18 विषय जो है प्रदान किया गया है। उसके बाद साथियों, 1 जनवरी 1995 ईस्वी को जो है WTO की स्थापना होता है, और भारत जो है 1995 ईस्वी में ही WTO का सदस्य बनता है। भारत 1995 में ही WTO का सदस्य बनता है। उसके बाद साथियों, इसी पंचवर्षीय योजना के द्वारा जो है
1995 में, ये जो अगस्त 1995 ईस्वी में MDM यानी मध्याह्न भोजन, MDM यानी मिड डे मील, यानी मध्याह्न भोजन योजना जो सरकारी स्कूल में मिलता है, मध्याह्न भोजन योजना बच्चों के लिए, यह जो है 1995 ईस्वी में 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही प्रारंभ किया गया। तो साथियों, इस प्रकार से जो है आपने 8वीं पंचवर्षीय योजना को देख लिया। उसके बाद अब चलते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। तो साथियों, अब हम 9वीं पंचवर्षीय योजना की ओर बढ़ रहे हैं और नवी पंचवर्षीय योजना यह जो है 1997 से 2002 तक चलता है। 1997 में 1 अप्रैल 1997 को प्रारंभ होता है और 31 मार्च 2002 को 9वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त होता है। तो साथियों, यह जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित था। आगत और निर्गत मॉडल पर आधारित था, यानी कह सकते हैं इनपुट और आउटपुट मॉडल पर आधारित था। और साथियों, इसमें जो है जो बल दिया गया था वो था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, यह दिया गया था। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, यानी सामाजिक न्याय के साथ साथ जो है समानता के साथ, यानी समान रूप से जो है आर्थिक विकास होगा, यह 9वीं पंचवर्षीय जो है योजना का मुख्य उद्देश्य था। और यह जो है इनपुट आउटपुट मॉडल पर आधारित था। साथियों, इस पंचवर्षीय योजना की जो विशेषता है, सन 1998 ईस्वी में भारत ने दूसरा जो है परमाणु परीक्षण किया, यानी सन 1998 ईस्वी में भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। और ये भी था ए पी जे अब्दुल कलाम आज़ाद के नेतृत्व में किया गया था। और यह भी किया गया था पोखरण राजस्थान से किया गया था। और साथियों, इसका जो है ऑपरेशन दिया गया था इस मिशन का, शक्ति 98, यानी 1998 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए इस ऑपरेशन का जो है नाम दिया गया था शक्ति 98। और साथियों, इसी पंचवर्षीय योजना में जो है 26 जुलाई 1999 ईस्वी को जो है कारगिल युद्ध होता है, कारगिल विजय हुआ था। और यह युद्ध हुआ था पाक प्लस भारत के बीच, जिसमें भारत जो है विजयी हुआ था। और इसका ऑपरेशन विजय दिया गया था, कारगिल विजय का जो है ऑपरेशन दिया गया था, ऑपरेशन विजय, कारगिल विजय।
और यह 26 जुलाई 1999 को हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। उसके बाद साथियों अगले आता है 10वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना की ओर हम प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होता है। और यह जो है 1 अप्रैल 2002 से 31 मार्च 2007 तक चलता है। और साथियों यह जो था 10वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल जो था, यह था व्यापक आगत निर्गत, यानी व्यापक रूप से जो है इनपुट और आउटपुट, यह 10वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। और इसमें जो है वही बात दिया गया था सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास, यानी द्वितीय ये 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो है महत्व सेम है, सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक विकास। और साथियों इनमें जो है व्यापक रूप से इनपुट आउटपुट मॉडल दिया गया था। और इसकी विशेषता जो था वह था नरेगा कार्यक्रम चलाया गया था, नरेगा जिसे कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना। एक्ट आया था, ये नरेगा एक्ट जो आया था 2005 को, और ये नरेगा जो है फरवरी 2006 को जो है संपूर्ण देश में प्रारंभ हो जाता है, संपूर्ण देश में जो है लागू हो जाता है। लेकिन यह एक्ट आया था 2005 में और फरवरी 2006 में जो है सर्वप्रथम यह अपनाने वाला था आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिला से सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था यह नरेगा योजना। और साथियों इसको जो है 2009 ईस्वी में नरेगा को बदलकर जो है मनरेगा कर दिया, नरेगा को बदलकर 2009 ईस्वी में मनरेगा कर दिया, यानी महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना कर दिया गया। और इसके बाद यह जो था हमारे 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य विशेषता था। उसके बाद साथियों अब चलते हैं 11वीं पंचवर्षीय योजना की ओर। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना, और यह जो है 2007 को प्रारंभ हुआ था और 2012 को ख़त्म हुआ, यानी 1 अप्रैल 2007 से प्रारंभ हुआ और 31 मार्च 2012 को जो है ख़त्म हो गया। और यह साथियों इनका जो लक्ष्य था 11वीं पंचवर्षीय योजना का, और ये लक्ष्य था तीव्र तथा समावेशी
विकास यानी तीव्र रूप से तथा समावेशी रूप से विकास हो, और यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य विशेषता था। और उसके बाद साथियों आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना, और ये आता है 2012 और 2012 से 17 तक इनका जो है सेशन था। और यह जो है इनमें जो लक्ष्य रखा गया था, लक्ष्य था वो था तीव्रतम तथा और अधिक समावेशी विकास। यह जो था 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था, यानी 11वीं में तीव्र और समान रूप से यानी समावेशी विकास हो, लेकिन 12वीं में तीव्रतम और उससे भी तीव्र रूप से हो विकास, और अधिक समावेशिक रूप से विकास हो, यानी 11वीं से भी ज़्यादा रूप से विकास हो 12वीं पंचवर्षीय योजना में। लेकिन साथियों इसे जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना को नरेंद्र मोदी द्वारा जो है 15 अगस्त 2014 को समाप्त करने की घोषणा कर दिया, यानी इसे जो है बोला कि अब जो है 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला अब योजना ये जो है योजना पंचवर्षीय योजना आयोग पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाएगा। और इनको समाप्त कर के जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया, और इनके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री ही होते हैं, यानी नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं। और साथियों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है, किसके स्थान पर, तो पंचवर्षीय योजना के स्थान पर। यह जो है नीति बनाने का काम करेगा एक एक वर्षों का, लेकिन यह जो है पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों का नीति बनाने का काम करता था, और यह रूसी मॉडल पर था लेकिन यह भारतीय मॉडल पर आधारित है। तो साथियों आपने इतना सारे विशेषता देखा और इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गया। तो साथियों फिर मैं अगले क्लास में मिलूँगा। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा पंचवर्षीय योजना, तो आप निश्चय ही लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। तो साथियों मैं फिर मिलूँगा बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।